वो सब जो आपने अभी देखा वो सब हुआ था लखनऊ में। बहुत जबरदस्त खाना खाया, अभी भी पूरा फुल हूँ। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, एक्चुअली रेडी हूँ, सिर्फ जैकेट पहनना है, वाला बैग डालना है, वी आर रेडी टू गो। इफ यू वंडरिंग इतनी अच्छी बरिस्ता कॉफी हमें सुबह 4:30 बजे कैसे मिली, जी नहीं, ये हमने कल रात को ले ली। और मुझे काफी मैसेजेस आए हैं कि गोरखपुर पे अगर रुक रहे हो सो वी कैन ग्रैब अ कॉफी, कॉल एम्बर सिंह एंड कपल ऑफ मोर मैसेजेस, बट अनफॉर्चुनेटली वी विल बी क्रॉसिंग गोरखपुर। एक कारण बताता हूँ आपको, जब मेरा वो डिच में क्रैश हुआ था, देखो क्रैश गार्ड, मेरा क्रैश गार्ड टुक द इम्पैक्ट और उसका जो आधा पार्ट है वो घिर चुका है। सो मैंने अभी ब्रांड को कांटेक्ट किया, दे लाइक वेर एवर यू आर वील सेंड यू वन। और सन काफ़ी आ चुका है, 5:30 बजे, इट इज़ सो ब्राइट, सो आप समझ सकते हो आज आप लोग की विशेष चाहिए, बिकॉज आज हम पूरे 42 डिग्रीज में चलाने वाले हैं। मुजफ्फरपुर तक पहुँच जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 10 से 11 आवर्स की राइड होगी। ओके, बिकॉज हमारा आज डे राइड है, हमने सोचा मोटो ब्लॉग करते हैं। लखनऊ इज सो ब्यूटीफुल यार, सीरियसली द रोड्स आर वाइड, रियली नाइस, वेरी गुड एक्सपीरियंस यार। हम लोगों ने अपना होटल जानबूझ के एकदम सेंटर जो चक्कर है लखनऊ, बेसिकली अगर आप मैप पे देखोगे लखनऊ एक सर्कल है, उसके बीच में ही लिया था। आप लोग को विंड नॉइज बहुत आएगी क्योंकि इसके ऊपर का जो वाइजर है वो निकला हुआ है, बैग में पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें, मेरा प्लान है जब मैं सिलीगुड़ी में पहुँचूंगा वहाँ KTM जाके सारी चीज़ें फिक्स हो, इसीलिए ये सारे व्लॉग्स थोड़े फन फूड और ये ज़्यादा है, मोर देन शोइंग यू जस्ट रोड्स एंड रोड्स, बिकॉज रोड सारे पूरे हमें अच्छे सिंपल ऐसे ही मिले हैं। तो ज़रा व्लॉग्स को समझ के देखिए प्लीज़। मेरी जो रेयर ब्रेक है वो भी थोड़ी वीक हो गई है, उसे भी मैं चेक करवा लूँगा। तो गोरखपुर दैट प्लेस दैट कोविड में बहुत सारी डेड बॉडीज जो मिली थी, या जैसे गंगा रिवर। हाँ, तो शेड्स चेंज हो गए हैं, हमने शेड्स ढाँप लिए हैं अमित के, इट्स क्वाइट सनी बट वी आर टॉलरेटिंग इट। इतना गर्म नहीं है जो इंदौर वाला फर्स्ट व्लॉग पे मैंने कहा था, ये पहला पिच स्टॉप है फ्यूल का। चेन इज़ वेल ल्यूब्ड, गंदी है वो बात अलग है, क्रैश गार्ड का बंदोबस्त करना है, आगे की रैटलिंग बंद हो चुकी है स्क्रू की वजह से। तो अमित जब अपने ईयरबड्स पहनता है उसको सुनाई नहीं देता है। जो मैं आपको ड्रैग रेस की बात बता रहा था वो ये ड्रैग रेस है, ये पूरे रास्ते आपको मिलेगी, दो ट्रक्स में ठसन होगी और आप बीच में फंसे रहोगे। अब ये जो कार्डो मेरे हेलमेट पे लगा है दैट इज़ बोरोड बाय अरविंद हु इज़ अमित फ्रेंड एंड अमित हैज़ ऑलरेडी पुट ऑन हिज हेलमेट, सो थैंक्स अरविंद फॉर दिस। मोस्टली यू विल सी अनियंस। कल वैसे अमित ने गार्लिक स्पॉट करके मुझे एक्साइट कराया, बोला देखो लहसुन भी जा रहा है। अरे अरे भाई 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 भाई, क्या हो गया? अब तक तो ये जैकेट का वेंटिलेशन बहुत सही काम कर रहा है। और झांसी से लखनऊ आने में बहुत ट्रक्स मिलेंगे, जो आपको दिख रहा है ये रात भर था, वी वर डॉजिंग दिस लाइक बुलेट्स। सो आज विजिबिलिटी अच्छी है बिकॉज वी हैव स्टार्टेड इन डे टाइम। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होगा गाइस, सो चाय वाय पॉपकॉर्न तैयार रख लेना, शायद आप लोगों को मज़ा आए। तो अब हम करते हैं मोटर व्लॉग बंद और आपको मिलते हैं ठीक एक सेकेंड में। आज मैंने नोटिस किया, मैंने शॉर्ट आउट नहीं दिया, व्हाट इज़ अप यूट्यूब, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कैसी है मेरी जनता जनार्दन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अब हम पहुँच चुके हैं गोरखपुर, 9:00 शार्प हम लोग गोरखपुर पहुँच गए थे। वी हैव बाईपास्ट इट, वी आर ऑन दिस ब्यूटीफुल हाईवे, गोरखपुर के बाद जो हाईवे स्टार्ट हुआ है, एंड 5:30 to 9, यू कैन डू द मैथ, इस हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं। सो आई मेट दिस ऑसम ट्रक ड्राइवर हु इज़ ड्राइविंग 12 चक्का। ओके, 12 चक्का, इफ पीपल डोंट नो, 12 रिम्स है उसको, एंड ही इज़ फ्रॉम हिमाचल। यस, एंड व्हेन शुड आई सी यू सून? या, व्हेनेवर यू लाइक, whenever you come to my place. This is such a cool thing, see this is what happened on highways, we meet some cool people. हाँ, बातें करते करते ओनर ही मिल गए हमें गुरुदेव ढाबे के, ये रहे। आप गोरखपुर रूट पे है, नए वाले हाईवे पे, यहाँ पे ढाबे कब मिलेंगे, गुरुदेव ढाबे पे रुकिए, वहाँ पे आपको ये बढ़िया खाना मिल जाए, पराठे दही नींबू पिया है, रिफ्रेश हो चुके हैं, अब आई थिंक हम लोग नॉन स्टॉप वापस करेंगे। ये हमारी बाइक की सिचुएशन, अगर आप सारे बग्स देखोगे भर गए हैं, ये तो कॉमन है। दिस इज़ द हाईवे एंड दिस इट, मुजफ्फरपुर तक ऐसा ही हाईवे है, बीच में थोड़े रफ पैचेज है विच इज़ फेयर इनफ, वी हैव एडवेंचर। राइडा का जैकेट बहुत काम आ रहा है, यस इस पर हमने अपग्रेड जलाए हैं, सो ऑल दीज आर हैवी ड्यूटी वंस Level 2। पानी भरने का यस ब्लैडर भी हम यूज़ कर रहे हैं राइडा का, ये तो वो तो निकाल ही नहीं रहा है अपने बॉडी से, पूरी बॉटल जा रही है, इतना पी लिया गया मैंने और ये लॉक हो गया। और मैं अपना जो पाइप है वो यहाँ रखता हूँ, तो मैं बैठे बैठे भी पाइप पुल करके पी सकता हूँ। चलो, हमें एक और सब्सक्राइबर मिल गए, ये वैसे काफ़ी लोग ये व्लॉग्स देखते हैं,
बोला आपका भी ऐड कर दूंगा, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, जब वाइजर साफ हो जाता है ना इतना मस्त लगता है। एक्चुअली हम फ्यूल यहाँ बढ़ा सकते थे, 4 digits है तो हम सोचे 80 किलोमीटर चला के रुकते हैं। फॉर्चुनेटली इस बार सन सामने नहीं, उस साइड है वेर आई एम राइडिंग, आई एम हैप्पी। जब वो सामने रहता है ना, ड्रेन्स यू ऑफ। खराब रोड खत्म हुए, अच्छे रोड शुरू हुए, डोंट वरी कीप राइडिंग। ये गाना मैंने ऐसे कंटिन्यूस बनाया था मुंबई टू कन्याकुमारी में, और किसी ने मुझे कमेंट किया प्लीज सिंग दिस सॉन्ग, ये आपके लिए भाई। मैं हर वक्त आपको यही दिखा रहा हूँ, कांदा ले लो, कांदा नहीं इस बार आलू कांदा मिक्स है वो देखो। एक सेकंड, नहीं आई वॉज रॉन्ग, कांदा ही है वो, गोनी का रंग चेंज हो गया है। I'll be checking the address. This is the cutest thing I've seen here. You can see this. Such a nice little house. And actually it feels like somewhere in Goa or something. Look at this. हमें अभी Google ने कहीं और घुमाया है, तो चेक कर रहे हैं। अभी हम जो मुड़े हैं वो पटना की तरफ है, सो लेट्स सी कि हमें गूगल माता कहाँ ले जाती है। What a break. Energy is good, right, today? इसने जो कल हमारे साथ टुंडे कबाब और वो सब खाया था, बस that's it. और मैंने आज ब्रेकफास्ट तो ऐसा दबाया है कि मैं फुल एनर्जी में हूँ, बट इसके प्रिजर्व्स काम आएंगे इसको डाइट के हिसाब से। इंटरमीडिएट इज अ प्रिजर्वरी डाइट ना, कैसा लग रहा है आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के बाद? इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, जी रहे हो सरस। हमारे आसपास कुछ लोकेशन ऐसा है और हम बिहार काइंड ऑफ टेक्निकली पहुंच चुके हैं, राइट? व्हाट, दैट्स इट? सो बॉयज वी आर गोइंग अहेड। जितना सिलीगुड़ी के तरफ जाएंगे अच्छा है ना। 11:20 और हम मतलब जो तेज गति से चल रहे हैं, दैट इज फैंटास्टिक, राइट? टिल इवनिंग लेट्स राइड, बिकॉज़ वी आर गेटिंग क्लोजर टू सिलीगुड़ी। टुमारोज़ रन विल बी लाइक दिस टू सिलीगुड़ी। वी हैव होल आफ्टरनून, होल इवनिंग, एंड गर्मी भी नहीं लग रही है। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम, लेट्स सी, लेट्स टेक इट वंस वी रीच आवर डेस्टिनेशन। जफरपुर की 42 degrees की गर्मी, मुजफ्फरपुर राजू भाई आइए, आपकी एंट्री बिहार में हो चुकी है। कितने प्यारे से छोटे मोटे रास्ते से जा रहे हैं, एडवेंचर चाहिए था ना, लीजिए ये है एडवेंचर। क्यूट है ना, वेरी क्यूट होम्स। किड वाज वेरी क्लोज टू माय बाइक यार, थोड़ा सामान है बच्चों का इधर। अभी एक बच्ची एकदम सामने आ रही थी यार, एक गांव में थोड़ा आराम से जाइयो। बट यार ये पूरा फील गोवा का दे रहा है, फुल गोवा का फील दे रहा है मुझे, कोई एंगल से नहीं लग रहा है बिहार, इज लाइक सो सॉर्टेड। और इतनी हरियाली है, इतना मस्त है यार। हाँ इट्स लिटल कूलर देन हाईवे, नहीं इट्स ऑल ट्रीज अराउंड ना। बच्चे आएंगे ना, हॉर्न मार देना भाई। अमित के मोटरसाइकिल का हॉर्न बंद हो चुका है भाई लोग, और शायद मॉइस्चर होगा, वो WD-40 तो नहीं है, चेन क्लीनर डालेंगे उसमें, अगर वो चल गया तो सही है, नहीं तो फिर वायर गया रहेगा। अरे भाई में रास्ता यहीं से, गूगल माता बहुत अच्छी है, देखो हमें आप पे पूरा भरोसा है, पर हमें हाईवे पे था और हम हाईवे से यहाँ आ गए। सो वी चोज टू राइड 78 kilometers मोर, एंड देयर इट वॉज शोइंग 62। ओ ओ ओ ओ क्वैक 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 क्वैक, वाई डूइंग दिस क्वैकी। छोटी छोटी बकरियाँ भी हैं यहाँ। अच्छा, फ्रॉम अ स्मॉलर गाँव वी वेंटर्ड बिगर गाँव। अरे रुक जाओ भाई, मेरे बैग्स भी है, ये तो आगे जाएगा, मुझे गिरा के जाएगा। एक सेकेंड भाई। ओ भाई साहब। हल्का सा टच होगा, ओफ बच गया। सो हम मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं और हमें दो अच्छे भाई मिल गए, एस क्रॉस में थे। आ जाइए, नाम बता दीजिए। मैं सौरभ। सौरभ? मैं सुजीत। काफ़ी एक्साइट हो गए थे जगह को, दिस प्लेस लुक्स रियली इनक्रेडिबल। देन ही साइड, ये जगह को क्या नाम दिया आपने? मुजफ्फरपुर मरीन ड्राइव। मुजफ्फरपुर मरीन ड्राइव लिटरली इसको यहाँ कहते हैं।
एंड आई थिंक यूट्यूब कैप्शन में भी ये जाना चाहिए राइट, वी फाउंड मरीन ड्राइव इन मुजफ्फरपुर. तो अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन कम्स एंड हैंग्स आउट हियर. ये पूरा एक स्ट्रेच है और ये पानी अपना वो क्या जमा हुआ है, नहीं क्या ये मोइन है? अच्छा, ये नदी का छोड़ा हुआ भाग है, ये बूढ़ी गंडक नदी का छोड़ा हुआ भाग. कहते हैं कि नदियाँ 100 साल पे अपना रास्ता बदलती है, तो रास्ता वो चेंज कर लिया और ये जगह छोड़ के मुजफ्फरपुर वासियों के लिए एक बड़ा खूबसूरती है. बहुत चलो, और इन दोनों ने हमें अच्छे से मिले और फिर हमें देखा कि वी आर बाइकर्स, दे लाइक लेट्स मीट अप. और अभी हम शुगर केन जूस पी रहे हैं, यहाँ चिल कर रहे हैं, थोड़ा फोटो सेशन करेंगे. सी यू गाइस. जिनने हमें ये दिया है, एक छोटा सा तोहफा दिया है, थैंक यू सो मच. इन्हें देखा हम इतनी गर्मी में मुँह पोंछ रहे हैं, इनने हमको ये दिया, थैंक यू सो मच. ऑल सेट अमित, तेरा ये बंद है, काटो. सो ये था कुछ मुजफ्फरपुर का मरीन लाइंस का एक्सपीरियंस हमारा. स्ट्रेंजर्स मिल गए जिनने इतनी अच्छी मदद, आई मीन दिस इज सो स्वीट यार, कनेक्शन पता नहीं उनसे कैसे जुड़ गया. सो ये है अपना मरीन लाइंस यहाँ का, आई थिंक कैप्शन भी यही होना चाहिए, मुजफ्फरपुर का मरीन लाइंस. आई साला, मतलब सच में अगर आप गौर से देखोगे, ये सब जो चमक रही है ना हमारी टाल, ये सब पसीना है. यस, इट इज़ सो हॉट. और इस पूरे गरम रेगिस्तान मुजफ्फरपुर के बीच में एक होटल है जिसका नाम है ब्लू डायमंड. सौरभ सिंह जी जो हमें मिले थे, थैंक्स टू हिम ही सजेस्टेड दिस प्लेस. क्विक टूर 1 2 3. बाथरूम में फैन भी है.